Hello everyone, I am Rajendra Shunda and welcome to my channel English with Rajendra Shunda. आज हम सीखेंगे टी एच ई का सही साउंड. व्हाट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ टी एच ई. कुछ लोग इसको दी बोलते हैं, कुछ इसका साउंड दे करते हैं, कुछ दी करते हैं और कुछ दा भी करते हैं. तो एक्चुअल में क्या है इसका ऑथेंटिक प्रोनाउंसिएशन क्या है, ऐसा हम आज पढ़ेंगे. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, दा साउंड इंग्लिश में नहीं होता है. दा साउंड तो होता ही नहीं. फाइनली देर इज नो आ साउंड फाइनली इन इंग्लिश. यानी किसी भी शब्द के लास्ट में आ साउंड अंग्रेजी में नहीं होता. जैसे देखिए इंडिया, नॉट इंडिया, इंडिया. नोकिया, नोकिया, नॉट नोकिया. तो ये तो होता ही नहीं, इसको तो आप पहले खारिज कर दो. अब बच गए तीन. इसके तीन साउंड होते हैं. इन तीनों में इसका प्रयोग कब हमें साउंड करते समय करना चाहिए, इसमें देखिए. पहले है बी, बिफोर वाउल साउंड. एक लेटर है ये, इसके अंदर जो ये पहले वाला जो लेटर है, एक शब्द का जो पहले वाला लेटर है, यहाँ अगर इसका साउंड वाउल है तो यहाँ पर आपको साउंड करना है दी. जैसे ये देखिए ई एन डी, अगर यहाँ पर ई साउंड है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये साउंड करेंगे. आंसर, आंसर में यहाँ पे वाउल है तो इसका साउंड हम ये करेंगे. एलिफेंट, एलिफेंट में अगर यहाँ ई है तो इसका साउंड हम डी करेंगे. तो इसका मतलब एक चीज़ करेक्ट हो गई है कि अगर किसी शब्द का पहला लेटर वाउल साउंड दे रहा है तो हम उससे पहले टी एच ई का साउंड डी करेंगे. दूसरी है द, ये कब करेंगे, जब बिफोर कॉन्सनेंट साउंड, व्यंजन जिसको हिंदी में कहते हैं व्यंजन. यदि किसी शब्द का पहला लेटर व्यंजन साउंड दे रहा है, जैसे ये देखिए बी डब्ल्यू ओ की बुक, यहाँ ये कॉन्सनेंट है तो ये क्या साउंड देगा, ये साउंड देगा. क्वेश्चन, क्यू यू ई एस टी आई एन, क्वेश्चन. इसमें पहले क्वे, कै साउंड दे रहा है, कै दे रहा है तो यहाँ इसको क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे इसको. टाइगर, टाइगर से पहले इसको दे बोलेंगे. अब है तीसरा डी. तो ये इस डी में और इस डी में अंतर क्या है, इसमें ये थोड़ा वीक है और ये थोड़ा स्ट्रोंग है. डी एंड डी, डी एंड डी. इस डी का प्रयोग होगा जब एनी एम्फेसाइज्ड वर्ड और एनी स्ट्रेस्ड वर्ड, जब किसी स्ट्रेस्ड वर्ड को जोर दे के हम अगर बोलेंगे उस समय आएगा. जैसे दी बेस्ट, दी लास्ट, यहाँ पर ये चीज़ भी लागू नहीं होगी. तो ये डी का, दे का जो भी प्रोनंसिएशन आपको बताया, ये फोनेटिक्स से रिलेटेड टॉपिक है. कई बार कई एग्जामिनेशंस में इसका एग्जैक्ट साउंड पूछा जाता है. और भी फोनेटिक्स के टॉपिक हम लेंगे बहुत सारे, जिसमें पूरा फोनेटिक्स का टॉपिक पढ़ाएगा, जो फर्स्ट ग्रेड में आता है, सेकंड ग्रेड में आता है, रीट में आता है. और अगर और भी आप कॉलेज के स्टूडेंट हो जिसमें भी अगर आपको ये फोनेटिक्स का टॉपिक पढ़ना है तो हमारे चैनल पे बहुत सारे पूरे आसान तरीके से मैं आपको पूरी फोनेटिक्स समझाऊंगा. इसके अलावा यदि आप रीट के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट हैं, सेकेंड ग्रेड के हैं, एसएससी, नेवी, एयरफोर्स में अगर आप इंग्लिश की ग्रामर सीखना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे टॉपिक आसान और इजी वे में समझाए जाएंगे. इसलिए ये चैनल आपके लिए बड़ा ही लाभदायक होने वाला है. तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अगला वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाइए. धन्यवाद.